बच्चों, अब हम टॉमस ग्रे की जो पोएम एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड है, उसका सिक्स स्टैंजा डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट इन दिस पोएम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट दी डेड फोर फादर्स ऑफ द विलेज। ही इज थिंकिंग हाउ सिंपल लाइफ दे लेड एंड नाउ नो बडी रिमेंबर्स देयर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन विच दे मेड फॉर दी लाइफ्स ऑफ अदर्स। इस कविता में जो कवि हैं टॉमस ग्रे, वो बात कर रहे हैं, जो एक टर्म आया था, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, द रूड फोर फादर्स मीन्स, द रूड का मतलब सिंपल, द सिंपल फोर फादर्स यानी पूर्वज, एंसेस्टर भी कहते हैं उसको, ऑफ द हैमलेट, हैमलेट यानी विलेज। तो जो इस गांव के, जिस गांव के बाहर जो कब्रिस्तान है, जहां पर जो ये कवि हैं टॉमस ग्रे, ये बैठे हुए हैं, एंड ही इज सिटिंग इन द चर्च यार्ड एंड थिंकिंग अबाउट दी एंसेस्टर्स ऑफ द विलेजर्स, जिनकी कब्रें वहाँ उस चर्च यार्ड में बनी हुई हैं, उन कब्रों को वो देख रहे हैं, और उसके सामने वो गांव है, उसको वो देख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम दिस थॉट कम्स इन टू हिज माइंड, द पीपल हु आर बरीड नाउ मस्ट हैव बीन डूइंग सिंपल वर्क्स इन देयर लाइफ। वो अपने जीवन में बहुत सिंपल काम कर रहे थे, बट दैट वर्क ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम वे और द अदर फॉर द विलेज एंड फॉर देयर सोसाइटी एंड फॉर देयर फैमिली। अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए उस समय उन्होंने काम किया जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, बट अब वो, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, एंड नाउ दे आर लाइंग बरीड इन द ग्रेवयार्ड, तो अब उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो यही थॉट जो है वो इस स्टैंजा में कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न। फॉर देम, देम यहाँ आया है द रूड फोर फादर्स ऑफ द विलेजर्स। मैं ये टर्म बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट यू रिमेम्बर एंड यू, इफ़ यू मैंशन इट समवेयर इट विल एड टू योर मार्क्स। तो उनके लिए जो जो रूड फोर फादर्स यानी जो सिंपल एंसेस्टर्स थे, जो फोर फादर्स ऑफ द विलेजर्स, उनके जो पूर्वज थे, उनके लिए अब क्या नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं उनके लिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय वो अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, दे वर डूइंग अलॉट एंड पीपल वर ऑल्सो केयरिंग फॉर देम, दे वर रिकोगनाइजिंग देयर एफर्ट्स, बट नाउ एज दे हैव डाइड नाउ नो बडी रिमेंबर्स देम। अब उनके लिए क्या क्या नहीं होगा। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न। अब उनके लिए ब्लेजिंग माने जलना, आग जलता हुआ, हर्थ यानी चूल्हा, अब उनके लिए जो है चूल्हे में आग कभी नहीं जलेगी, बर्न यानी जलना। उनके लिए यानी उनके लिए नो बडी विल कुक फूड फॉर देम। चूल्हे में आग न जलना यानी उनके लिए वो आग अब नहीं जलेगी, मतलब उनके लिए अब जो है वो कभी कोई खाना नहीं बनाएगा, नो बडी विल कुक फॉर देम। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो बिजी हाउस वाइफ हैं उनकी जो पत्नियां हैं, वंस अपॉन अ टाइम वो अपने प्लाई मीन्स होता है टू बी बिजी इन द वर्क, तो इवनिंग केयर, इवनिंग वर्क वो बहुत जल्दी वाइंड अप करती थी उनकी वाइफ्स, कि उनके पति जो हैं दे मस्ट बी रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स और फ्रॉम देयर वर्क, तो वो शाम का काम बहुत जल्दी जल्दी दे यूज़ टू वाइंड अप द वर्क, बट नाउ दे विल नो मोर डू दैट। वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। अब क्या होता है इसमें, एक उन्होंने एक पिक्चर्स जैसा, एक चित्र सा खींच दिया है,
टॉमस ग्रे ने कि क्या होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पिता जब काम से वापस आते हैं तो बच्चे दौड़ के अपने पिता के गले लग जाना चाहते हैं, और बच्चों में एक कंपटीशन होता है, एक फीलिंग होती है कि हम पहले अपने पिता को हम पहले छू लें और पहले पिता हमें गोद ले में लेकर हमें जो है किस कर लें, हमें प्यार कर लें। तो ये एक फीलिंग होती है जिसको उन्होंने दिखाया है इस लाइन में। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, सायर यानी फादर। अब कोई भी बच्चा जो है वो भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, और क्या करेगा, फॉर देयर फादर्स रिटर्न, कि कभी जैसे उनके पिता जब लौट के आते हैं वो बच्चे दौड़ के जाते हैं, तो नाउ नो चाइल्ड विल डू दैट, उनके लिए कोई भी बच्चा दौड़कर उनके पास अब नहीं आएगा। और क्लाइंब हिज नीस, और छोटे बच्चे होते हैं तो वो पिता के घुटनों तक ही पहुंच पाते हैं, एंड दे विल जस्ट ट्राई टू क्लाइंब हिज देयर नीज, वो उनके घुटनों पे जैसे चढ़ने का, उससे आगे पहुंचने का प्रयत्न करते हैं बट पहुंच नहीं पाते। तो नो चाइल्ड विल डू दैट, कोई भी बच्चा अब ऐसा नहीं करेगा। और क्या नहीं करेगा, द एनवीड किस टू शेयर, एंड नो चाइल्ड विल ट्राई टू शेयर एन एनवीड किस, कि वो कोई भी बच्चा, अब एनवीड किस क्या हुआ, किस यानी प्यार करना, जैसे बच्चे को हम प्यार करते हैं उसको किस करते हैं अपना, उसके वी शो आर लव टू द चाइल्ड, उसको कडल करते हैं, हग करते हैं। तो एनवीड किस यानी दो बच्चे हैं तो बच्चों में भी एक बहुत प्यारी सी छोटी इनोसेंट एनवी होती है कि पहले पिता हमें प्यार करें या हमें ज़्यादा प्यार करें। तो नो चाइल्ड विल ट्राई टू गेट दैट एनवीड किस फ्रॉम दी फादर, उनको वो कोई भी बच्चा ये कोशिश नहीं करेगा कि पिता हमको पहले प्यार करें या ज़्यादा प्यार करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इनके लिए, ये जो डेड फोर फादर्स ऑफ द विलेजर्स हैं, इनके लिए ये सब अब खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम स्टेंजा 7 देखते हैं। अब इस स्टेंजा में द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द हार्ड वर्क दैट दीज विलेजर्स डिड इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में ये कितनी मेहनत करते थे उसका चित्रण इन लाइन्स में जो पोइट है उन्होंने किया है। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल ईल्ड, ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसल, फसल जो खेत में फसल उगती है, ऑफ्ट यानी ऑफन, प्राय प्राय क्या होता था कि जो फसल होती थी, ये जो किसान है फार्मर्स, दे यूज़ टू वर्क इन देयर फील्ड्स, दे यूज़ टू सो सीड्स, प्लांट, वाटर देम एंड वो फसल उगाते हैं, और जब फसल उग जाती है देन दे हार्वेस्ट द क्रॉप, ये फसल को जो काटते हैं उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तो फसल को क्रॉप हार्वेस्टिंग यानी काटना। तो अक्सर क्या होता था, सिकल कहते हैं हसिया जिससे वो फसल जो है वो काटी जाती है, तो अक्सर इनके हसिए के आगे जिससे वो फसल काटते, हसिया आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड, सिकल मीन्स जिससे वो फसल काटते हैं, तो उनके आगे वो ईल्ड, वैसे कहते हैं बेटा सर झुकाना या समर्पण कर देना, तो यानी वो फसल जो है उनके सामने कटकर गिर जाती थी, झुक जाती थी उनके सामने, वो अपनी मेहनत से वो खड़ी हुई फसलों को जैसे गिरा देते थे, इतनी मेहनत करते थे वो। और क्या करते थे, देयर फरो ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक, फरो ऑफ्ट द स्टबर्न ग्ली, फरो कहते हैं बेटा जो जब खेत जोता जाता है तो उसके बीच में जो लाइंस बन जाती हैं, जो हल के पीछे जो एक नुकीला दांत जैसा होता है विच गोज इन द सॉइल, और उसको काटता हुआ वो एक लाइन बनाता हुआ चला जाता है, या ट्रैक्टर से भी अगर उसको जो है उसको प्लो करते हैं, जोतते हैं, तो एक लाइन बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फरो। तो वो फरो जो है वो एक फरो बना देते हैं थ्रू व्हेन दे प्लो द फील्ड, और जब खेत जोते हैं, और उससे क्या करते हैं, द स्टबर्न ग्लीब, स्टबर्न यानी जिद्दी यानी बहुत हार्ड, स्टबर्न या समझिए हार्ड, ग्लीब यानी अर्थ, हार्ड सॉइल ऑल्सो ब्रोक, बहुत कठिन कठिन से मतलब बहुत हार्ड जो मिट्टी होती है उसको भी वो अपने हल से जोत देते हैं, उसको उसको एक तरह से उसको फोड़ देते हैं, उसका सीना चीर देते हैं, और फिर उसमें वो बीज डाल के फसल उगाते हैं, इतनी मेहनत वो करते थे। हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील, जोकंड यानी हैप्पीली जॉयफुली,
इतना खुशी से जो है वो खेत पर लेकर जाते थे, दे ड्राइव ले जाते थे, क्या ले जाते थे, देयर टीम। अब टीम का मतलब है देयर पेयर ऑफ ऑक्सन या बुल्स, उनको वो जो ले जाते थे अपने जो बैल हैं खेत पर, उनको अफील यानी खेत पर ले जाते थे, खुशी से वहाँ काम करते थे, अपने बैल लेकर जाते थे। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और कैसे ये जो वुड्स यानी जंगल जंगल से वो लकड़ियाँ काट कर लाते थे, तो कैसे वो जो स्टर्डी स्ट्रोक, स्टर्डी यानी मजबूत, स्ट्रोक यानी प्रहार, यानी वो जो उनका मजबूत प्रहार होता था उससे जब वो लकड़ियाँ काटते थे तो बहुत मजबूत जो पेड़ हैं वो भी, दे यूज़ टू बो देयर हेड, बो कहते हैं झुकना, तो जैसे वो पेड़ भी झुक जाते थे उनके सामने, उनके जो मजबूत प्रहार हैं उनके सामने वो झुक जाते थे, बड़े बड़े पेड़ भी वो काट दिया करते थे। देवर सो हार्ड वर्किंग एंड माइटी, इतने वो मजबूत थे और इतने मेहनती थे, ये सारे काम वो जो है अपने जीवन काल में किया करते थे। तो ये उनके जीवन का एक चित्रण किया है टॉमस ग्रे ने, कि उनका जीवन कैसा था अपने जीवन में, हाउ लाइवली देवर इन देयर लाइफ्स, बट अब क्या है, अब नाउ दे ऑल आर बरीड एंड लाइंग इन द ग्राउंड, अब तो वो उनकी जो मृत्यु हो चुकी है और वो ज़मीन में सब लेटे हुए हैं, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, एंड नोबडी रिमेंबर्स देम, और अब उन्हें कोई याद भी नहीं करता। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो अब उन्हें कोई भी याद नहीं करता, नोबडी रिमेंबर्स देम नाउ। तो ये स्टैंजा सेन है, सेवन है, इसको रिवाइज कीजिएगा बच्चों।